यही से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और हर्षिता अपने हीरो होंडा के साथ स्टार्ट हो गया है, टीवी दिख रहा है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग मैंने कर दिया, अभी खिचड़ी खाएंगे थोड़ी देर में। घर का बाकी का काम थोड़ा बहुत हो गया है, झाड़ू पोछा सिर्फ बाकी है, वो कर लूँगी। अभी किचन विचन साफ करने के बाद, किचन का हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसके पापा अंदर घुसे हुए हैं। खाना वाना बन गया है मेरा पूरा, अभी उसको जूस बनाना है, तो मैं किचन से बाहर आई हूँ। अभी तरबूज काट लिया, तरबूज मेरे लिए, और अंगूर वो खाएंगे क्योंकि मुझे अंगूर पसंद नहीं है। और अभी मैंने दाल सलाद सब्जी बना के रख दिया, दाल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैं कटोरी में रख दिया अलग से। अभी जब जूस बन रहा है, ये डोला डोले क्या बोलते हैं इसको, डोले दिखा रहा है दिखा ले बेटा। अभी ये दाल, अरे दाल आज ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं, गर्मी के मौसम में नींबू के साथ दाल अच्छा लगता है। खाना बन गया मेरा, अभी खाने के टाइम पे सिर्फ ऑमलेट बना के दूंगी हर्षिता के पापा को, और ये जूस होगा। अभी पता नहीं वीडियो कैसे होंगे, लेकिन बनाने की कोशिश तो करना पड़ेगा। स्टैंड कब आएंगे पता नहीं चल रहा है, ऑर्डर दी हूँ तो आएंगे ज़रूर। अभी ताज़ा ताज़ा जूस निकल रहा है, इधर का जूस मतलब एक्स्ट्रा करके जहाँ ग्लास रखे उधर एक मतलब जार था, पता नहीं मैंने हर्षिता को कब कहाँ खेलने के लिए दे दिया या कहाँ फेंक दिया, मुझे खुद को नहीं मालूम। तो अभी ये हो गया है हालात, अभी हर्षिता भी वेट कर रहा है कब पापा उसको देंगे जूस, उसको पता है ऐसा करता है तो जूस बनता है। तो रेडी है मेरा, क्या बोलते हैं इसका, हाँ वाटरमेलन का ताज़ा ताज़ा जूस। अभी हर्षिता भी ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, देखो 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 सब, हर्षिता को ब्लॉग्स बनाएंगे, हर्षिता भी उसके पापा के मोबाइल से, पापा देखेंगे तो डांटेंगे। अभी मैं थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में अभी फिर से थोड़ा सा रह गया था तो और थोड़ा सा दे दिया, तो मेरा एक ग्लास फुल हो गया था। अभी इसमें मैं स्टार्टिंग में मतलब अलग से साउंड दे रही हूँ क्योंकि टीवी चल रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था उधर जूस का। अभी हर्षिता पीछे पीछे वो मेरा ब्लॉग्स बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाते हुए एक्स्ट्रा करके ब्लॉग्स बनाएंगे, अभी वो मेरा कॉपी कर रहा है समर के लिए बहुत हेल्दी है। पापा डांटेंगे बेटा, हालत पूरा खराब है। चीयर्स, रिफ्रेशिंग। ट्राई कर लीजिए क्योंकि ऐसे खाएंगे तो हर्षिता उसको लेके भागेंगे। अभी जूस बना के पीऊंगी तो उसको नहीं पता चलेगा इसमें क्या है। और अभी आज स्किन केयर होगा थोड़ा सा, देख सकते हो क्या हालत हो गया है मेरे मुंह का गर्मी की वजह से, तो इसका कुछ इलाज करते हैं आज लोग, आज आप लोगों के साथ, आप लोग भी कर लीजिए ज़रूर, शायद सेम प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ भी हो रहा है। और मैं इधर हूँ मेरे मिर्चियों के साथ, क्या नहीं, हाँ हाँ वेलकम, नेट से बाहर हूँ मैं पी लेती हूँ, उसके बाद आपको स्किन केयर के वीडियो में चलते हैं। गर्मियों के मौसम में ऐसा फ्रेश जूस पियोगे तो मन स्वस्थ सुंदर और सुशील रहेगा और दिन दिन में आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। रुको और एक दो फल ले, हो गया और इधर हर्षिता स्टार्ट हो गया है पानी बोतल्स के साथ और अपने हीरो होंडा के साथ, और किचन का हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं बेसन रेडी कर रही हूँ, बेसन मतलब इधर एक या डेढ़ चम्मच लिए है, मैंने मेजरमेंट नहीं किया, और ये थोड़ा सा दही ले लिया है। अभी दही क्या है,
एक बोने की जरूरत नहीं, दही कितना मतलब स्किन के लिए आपके खुद के लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद है अभी इसमें। और देखते क्या क्या अच्छा, ये थोड़ा सा अभी मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा सा गुलाब जल लेती हूँ, रुको गुलाब जल निकालना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ा सा गुलाब जल दिया था, मेरे पास यही वाला गुलाब जल था और इसको मैंने सिर्फ पतला करके हाथ से ही कर दिया, अभी हाथ से ही लगा लूँगी, मेरे पास ब्रश वगैरह तो नहीं है। तो चलो, तो मेरा ये रेडी हो गया। मम्मा और किचन में किसे दूर, पता नहीं बेटी क्या कर रहा है। इसके सुखाने तक मैं काम कर लेती हूँ। दोनों काम होगा, एक साथ नहा भी सकते हैं, बाद में रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा। गंदा वाला थोड़ा सा पतला बनाया मैंने, इतना पतला भी नहीं है। ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक देखिए, और कुछ है टिप्स जो बाद में पता चलेगा, इतना नहीं बोलूँगी। सिर्फ मुँह को नहीं, मेरा तो मेन है ये नेक एरिया, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स एरिया है मेरा, और आप लोगों के जहाँ प्रॉब्लम्स एरिया है वो ज़्यादा दे देते। मैं बोला हस्बैंड को कि आपको लगाना है क्या, वो बोल रहा था कि उसका नाम ही काफ़ी है, तो नहीं लगाने के लिए अपने अकेले के लिए मैंने बनाया, तो ख़त्म हो गई। इस साइड से मतलब क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है, मैंने पीछे से लाइट दिया है, उधर भी लाइट है, लेकिन इधर से नहीं हो रहा है, और कहीं जगह नहीं है वरना हर सीधा मोबाइल छीन लेंगे, क्योंकि वो अभी घर में है, तो इधर से थोड़ा सा अंधेरा हो सकता है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ये थोड़ा सा। अभी इस वीडियो में मैं कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करूँगी, जैसा है मैं वैसा ही दे दूँगी। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़, और पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि स्किन केयर के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रैप कर लिया था थोड़ा सा। अभी आप स्टीम भी कर सकते हो, लेकिन गर्मी में ऑलरेडी पसीना निकलते रहता है, स्टीम करोगे तो अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं किया। ये प्रॉब्लम एरिया में आप थोड़ा सा सिर्फ मसाज कर लीजिएगा। मुझे तो कितना ठंड लग रही है, मैं ही बोल रही हूँ स्किन में बहुत मतलब रिलैक्स टाइप का लग रहा है, भी काम करूंगी तो पसीना आ जाएंगे, पता नहीं सूखने में कितना टाइम लगेगा। फैन ऑन करती हूँ सारे रूम का, तो सूखने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी स्टैंड नहीं है, तो बाकी का वीडियो ऐसे ही मतलब आज का तो यही होगा इसी तरीके से, मैं डेली ब्लॉग्स नहीं दिखाऊंगी। अभी खाना बना देख लिए है आप लोगों ने, अभी किचन का हालत ख़राब है, किचन साफ करती हूँ, बाकी बाद में आपको देखती। सूख गया था काम करते करते सारा, मतलब पसीनों से अभी गीला हो गया, तो अभी मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद इसको एक मतलब नहाने से चूल्हा चले जाएंगे, अभी अलग से नहाऊँ मतलब इसको साफ़ करूंगी, फिर बाद में नहाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। काम वाम हो गया मेरा, हर्षिता को उसके पापा एप्पल खिला रहा है, तो तब तक मैं नहा वहा के आती हूँ, और बाकी क्या टिप्स बाद में, अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं एडिट नहीं करूँगी।
इधर मैंने मूंगफली को आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा खराब होने लगा था, तो इसलिए सूखने के लिए रख दिया है। ये सूखने के बाद थोड़ी देर आराम से इसको मैं रख दूँगी। और इसमें मैंने कल जो दिया था तो रात भर मैंने रखा था क्या मतलब फैन के नीचे, बट आज थोड़ा सा सूखा के मैं इसको रख दूँगी, हो जाएगा। हर्षिता नौटंकी कर रहा है, आ जा मम्मा। और ये इंसान मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा है, लर्निंग। चलो मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गया है और स्किन बहुत अच्छा लग रहा है नहाने के बाद। और अभी ये है, ये वाला टिप से स्किन में कोई भी आप लोग अगर गर्मी के टाइम पे फेस पैक लगाओ या कहीं जाने से पहले ये लगा लो, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाने से पहले, तो आपको मतलब ज़्यादा पसीने भी नहीं आएंगे और क्या बोलता है उसको एक रिफ्रेशिंग टाइप का भी लगेंगे, मतलब आइस वाला। ये आप डेली कर सकते हो, थोड़ा सा डेली रूटीन में आप ये ऐड कर सकते हो, मतलब गर्मी के मौसम में, ठंडी में भी कर सकते हो, या फिर अगर आप मेकअप कहीं जाने से मेकअप वगैरह करने से पहले ये थोड़ी टाइम के लिए कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। और अभी मैंने आज क्या बोलता है हाँ फेस पैक किया है, मतलब सॉरी फेस पैक की मतलब स्किन केयर किया है, तो ये तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और इससे स्किन का मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, ग्लो आता है, आपको रिफ्रेशमेंट तो मिलता ही है, आप खुद ही करके आपको खुद ही पता चलेगा। मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और एक बात बताना चाह रही थी कि मैं स्किन केयर करती हूँ उसको ग्लो या फिर कुछ और के लिए नहीं, अपने लिए करती हूँ, मतलब अंदर से ठीक रहे, मतलब स्किन ख़राब ना हो जाए, वही इसीलिए करती हूँ, दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। और लोग जो पूछते हो मतलब आप क्या क्रीम लगाते हो, ये करते हो वो करते हो, तो मैं बोलना चाहती हूँ मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरे स्किन पे मैं जो शूट करेगा मैं वही करेंगे, मतलब वही क्रीम लगाऊंगे। अगर मेरा वाला क्रीम आप पे शूट नहीं करेंगे तो आप लोग ही मुझे मतलब गाली दोगे, तो इसी वजह से मैं और ब्रांड तो नहीं बता सकती, सिर्फ इतना बता सकती हूँ मैं जेल सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, अभी लगाना है। वो मॉइस्चराइज भी करता है लिटिल, और सन SPF भी है, मतलब सन प्रोटेक्शन भी है, तो एक ही में होता है। और मैं उस ब्रांड मतलब उसको दूंगी तो मुझे ब्रांड वाले मुझे क्या बोलता है इसको हाँ जेल में डाल सकते हैं, तो ये नहीं करूंगी। और सबके स्किन अपने हिसाब से, मतलब सब खूबसूरत है, अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से कुछ भी हो जाए अच्छे या बुरे तो क्या हुआ, हम लोग मोटा है तो क्या हुआ, अंदर से तो पता है हमें खुद के मतलब आईने में नज़र मिला सके, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ बाहर से खूबसूरत हो, अंदर से भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है। और ठंड अगर इस मौसम के बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत धूल उड़ रहा है और गर्मी, मतलब तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा फ्रूट खा लीजिए, दही खा लीजिए पेट ठंडा रखने के लिए जितना हो सकता है। गिर गया, लगा लेती हूँ, क्या है सफाई है। तो ये आइसिंग आप डेली कर सकते हो, कहीं बाहर से आते हो तो सोने से पहले या कुछ भी रात में भी आप लगा सकते हो, स्किन में आराम होता है और एक अलग सा मतलब ग्लो आता है अलग से, मतलब और ग्लो से मतलब वाइट होना नहीं होता है, मतलब हर एक स्किन को मतलब निखारते हैं ऐसे ही, मतलब ग्लो का मतलब वही होता है, अंदर से मतलब ग्लो आते हैं आप लोगों को, मतलब स्किन अगर अच्छा हो तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगता है, तो वही से मतलब है। तो इसका मतलब दूसरा कोई मतलब इंटेंशन मत कीजिए कि मैं वाइटनिंग या उसके करती हूँ, क्योंकि लोग मुझे इस तरह से पूछता है कि आप क्या करते हो, क्या क्या यूज़ करते हो, ये सब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, जब करती हूँ आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और अभी क्या हुआ है आजकल मतलब गर्मी के मौसम में मैं ही बोल रही थी हस्बैंड को कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाओ या फिर जूस वगैरह जो मिलता है बाहर का वो ही लाओ, तो उससे मतलब मेरे हिसाब से उससे अच्छा है हम लोग ताज़ा फ्रूट लाए, लाइक तरबूज दही ये सब खाए, तो वो स्किन के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे को मतलब वो स्ट्रोक करके वो सब खाने के तरफ ज़्यादा मतलब
जाता है, तो घर में ही आप लोग बनाइएगा ना, दही के साथ कोई भी फ्रूट मिक्स करके स्मूदी वगैरह मतलब वो सब करके दे दीजिए तो अच्छा है। गर्मी के मौसम में वो सब खाना बहुत अच्छा है, हेल्दी है। तो गर्मी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खा लीजिए, यही। और हाँ, ये आइसिंग, ये बर्फ़ वाला आप लोग मेकअप से पहले भी अब लगाते हो तो लॉन्ग लास्टिंग करता है मेकअप, और कभी भी आप डेली भी यूज़ कर सकते हो। गर्मी में मतलब स्किन बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज भी होता है, सनबर्न होता है, तो अब आइसिंग हर किसी के घर में फ्रीज होता है, नहीं भी होता है तो फिर किसी के साथ ले लीजिए। तो यही तक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और अगर क्रीम व्रीम लगाने की मतलब क्या बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है ना गर्मी ज़्यादा होता है तो क्रीम लगाने का मूड नहीं करता, तो आप लोग एक सिंपल सा घर में, सबके घर में गुलाब जल है या फिर एलोवेरा जल है, वो लगा लीजिए, बस हो जाता है। मैं तो इतना कुछ नहीं करती हूँ ना, जो होता है वही करती हूँ। अभी मैं कुछ नहीं लगाऊँगी, थोड़ा सा इसको स्किन को फ्रेश फील करने देती हूँ, और हर्षिता को थोड़ा सा फिटिंग कराती हूँ, उसके बाद और आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। पता नहीं कैसे होंगे अगले वीडियो, और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर तो नहीं करेंगे, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और हाँ, पानी ज़्यादा पीजिए, दही और फ्रूट्स ज़्यादा पीजिए, मतलब ज़्यादा मतलब खाइए। और अगर मतलब क्या बोलता है, जिसके घर में जूसर वगैरह नहीं है ऐसा, वो लोग तो नॉर्मली भी तो खा सकते हैं। हम लोग जूस करके मतलब एक ही रीजन है, हर्षिता लेके भागता है इसीलिए। तो वीडियो की एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय। नहीं, अभी इसको फीडिंग, ये अभी ब्रेस्ट फीडिंग मांग रहा है, तो इसीलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। चलो बाय।